Hello friends, welcome to Mujibur Rahman Creations. In this video, we are going to talk about the English practice set for the Indian Air Force Group Y. So friends, agar aap mere channel pe naye ho to please subscribe the channel, press the bell icon for more videos. To chaliye dosto shuru karte hain aaj ke English ka practice set for Group Y. Indian Air Force Group Y ke English ka 20 marks aata hai total. और मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट। तो फ्रेंड्स, आपको एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 1 to 3, 1 to 7 ऐसे करके आपको क्वेश्चन नंबर हर कोई क्वेश्चन में आपको सजेशंस दिया जाएगा, डायरेक्शंस। तो यहाँ पर आपको जैसे दिख रहा है, यहाँ पर भी आपको डायरेक्शंस दिया हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पर आप देखिए, इंग्लिश का जो सिलेबस है इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया था, तो आप मेरे चैनल पे विजिट कीजिए और आपको मिल जाएगा। इससे पहले भी मैं इंग्लिश प्रैक्टिस सेट 1 और 2 के 2 वीडियो डाल चुका हूँ, तो आप उसे भी देख लीजिएगा। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप। इट स्टार्टेड टू रेन व्हाइल वी डैश टेनिस प्ले हैव बीन प्लेइंग वेयर प्लेइंग। आपको कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ हो, अगर आप उसका मीनिंग जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसका मीनिंग है, बारिश शुरू हुआ था जब हम टेनिस खेल रहे थे। इट स्टार्टेड टू रेन व्हाइल वी डैश टेनिस। यहाँ पर देखिए आप, ये टेंस जो है इंग्लिश टेंस का ये क्वेश्चन है, ये कौन सा टेंस में है ये देखिए। इट स्टार्टेड टू रेन, इट स्टार्टेड टू रेन, यह है पास्ट इंडेफिनिट यानी सिंपल पास्ट। इसका फॉर्म है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए इट स्टार्टेड टू रेन। नेक्स्ट व्हाइल के बाद वी डैश ट्रेनिंग, हम जब ट्रेनिंग खेल रहे थे, मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूस में होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका मेन आंसर। इट स्टार्टेड टू रेन व्हाइल वी वेयर प्लेइंग टेनिस, हम जब टेनिस खेल रहे थे तब बारिश शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। वी डैश इंग्लैंड फॉर 5 ईयर्स, हम इंग्लैंड में, ये देखिए आपका जो ऑप्शंस दिया हुआ है, स्टडी, एम स्टडिंग, हैव बीन स्टडिंग, हैड स्टडीड। इसका जो आपका ऑप्शंस है, ये मेन पॉइंट जो है ये स्टडी का है, पढ़ने का। हम इंग्लैंड में 5 साल से पढ़ रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, वी हैव बीन हो जाएगा इसका, फॉर 5 ईयर्स है। हेड स्टडी नहीं होगा, एम स्टडिंग भी नहीं होगा, ये फॉर, ये जो आपका वर्ब है ये फॉर, अगर फॉर किसी भी सेंटेंस में फॉर हो तो वो सेंटेंस हम प्रेजेंट या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में लिखते हैं। ये देखिए आपका पास्ट कंटिन्यूस का, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो ये होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो वी ये है फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, तो ये हो जाएगा वी हैव बीन स्टडिंग, वी हैव बीन स्टडिंग इंग्लैंड फॉर 5 ईयर्स। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3। ही डैश आउट 5 मिनट्स एगो, वो 5 मिनट पहले बाहर चला गया। तो ये क्या होगा, 5 मिनट्स एगो जो है ये ही हैज गन भी नहीं होगा, रिसेंटली जो है ये गया ही, तो ये इसका आंसर हो जाएगा वेंट, ही वेंट आउट 5 मिनट्स एगो। कोई भी क्वेश्चन में आपका अगर एगो एगो दिया हुआ है, लास्ट दिया हुआ है या फिर ये स्टार्ट दिया हुआ है, तो वो क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा ये होगा पास्ट, सिंपल पास्ट में होगा, पास्ट इंडिफिनिट, ये पास्ट टेंस में हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ही वेंट आउट 5 मिनट्स एगो, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे डायरेक्शन दिया हुआ है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द चॉइस। ये जो है नरेशन का है, तो यहाँ पर हमें इनडायरेक्ट करना है, ये डायरेक्ट में दिया हुआ है, इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है हमें। तो देखिए, व्हाट एन इजी पेपर सेड रक्षित, इट इज सेड बाय ए काइंड एग्जामिनर। रक्षित ने बोला यह कितना इजी पेपर है, ये पेपर जो है ये एक दयालु एग्जामिनर ने सेट किया था। अगर आप, इसका मतलब है आपका
राक्षित ने एग्जाम दिया है, उसका पेपर बहुत ही इजी था, और उसने एग्जाम देके बोला कि ये जो एग्जाम का पेपर है ये एक काइंड एग्जामिनर ने, एक दयालु एग्जामिनर ने इसे सेट किया था। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? राजीव ने एग्जाम देने के बाद ये बोला कि व्हाट एन इजी पेपर, तो इसका वो शॉक हो गया, वंडर में बोला, तो इसका आंसर क्या होगा? राक्षित वंडर्ड दैट, वंडर्ड ये फर्स्ट देखिए, राक्षित सेड होगा, सेड राक्षित इसका फर्स्ट आ जाएगा अगर डायरेक्ट में लिखेंगे तो, राक्षित वंडर्ड। ये देखिए अब जब भी ये है आपका फर्स्ट वन है इंटरोगेटिव सेंटेंस, व्हाट एन इजी पेपर, इसके बाद ये है सिंपल सेंटेंस एसर्टिव, तो इसका आप नरेशन में कोई भी आंसर आप लिखेंगे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट का, वो होगा नरेटिव एसर्टिव सेंटेंस होगा। तो राक्षित वन डॉट, इसके बाद एसर्टिव सेंटेंस में एक डेट आएगा, राक्षित वन डॉट डेट, ये है द पेपर, इजी पेपर, तो एन इजी पेपर, ये क्या होगा? द पेपर, ये होगा आंसर। राक्षित वन डॉट डेट, द पेपर वॉज वेरी इजी, इट वॉज सेड बाई ए काइंड एग्जामिनर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चूज द एंटोनिम्स फॉर द सजेस्टेड ऑल्टरनेटिव्स। ये देखिए एंटोनिम चूज करना है क्वेश्चन नंबर 5 के। एंटोनिम, व्हाट इज एंटोनिम? एंटोनिम्स मीन्स आपका ऑपोजिट मीनिंग, सिनोनिम मतलब सेम मीनिंग, एंटोनिम मतलब ऑपोजिट मीनिंग, और होमोनिम मतलब सेम स्पेलिंग। ये देखिए अब एराइव का जो है विपरीत शब्दार्थक शब्द हमें लिखना पड़ेगा। एराइव, एराइव मतलब पहुंचा, पहुंच जाना, तो अराइव का आप एंटोनिम क्या होगा? किसी भी जगह पे आप पहुंचने के बाद आप बोलते हैं कि आई अराइव्ड देयर, मैं वहाँ पहुंचा था, मैं वहाँ गया था। तो अराइव पहुंचा, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, इसका ऑपोजिट क्या होगा? लिव या फिर डिपार्ट, इनमें से एक होगा, तो आंसर होगा डिपार्ट। क्वेश्चन नंबर ए का ये एंटोनिम जो है इसका एंटोनिम हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का नंबर बी डिपार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिफिशियल मतलब, इसका आर्टिफिशियल मतलब कि क्या है? ये आर्टिफिशियल मतलब आप आर्ट करके या फिर अपने हाथों से बनाया है आपने, ये नेचुरल नहीं है। तो इसका हमें दिया गया है कि इसका एंटोनिम लिखे इसका विपरीत शब्दार्थक, तो आर्टिफिशियल का विपरीत शब्दार्थक होता है नेचुरल, ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा नंबर बी। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है 7-8, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम द चॉइस। आपको जो चॉइस दिया हुआ है नीचे ऑप्शंस, इनमें से आपको करेक्ट पैसिव वॉइस चूज करना होगा, मतलब कि ये जो क्वेश्चन है ये एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, इसका पैसिव वॉइस चूज करना है। द कैट किल्ड द माउस, बिल्ली ने चूहे को मारा। बिल्ली ने चूहे को मारा मतलब क्या है? चूहा बिल्ली से, बिल्ली के हाथों मारा। इसका नेक्स्ट मीनिंग, एक मीनिंग ऐसे होता है कि चूहा बिल्ली के हाथों मारा, तो इसका पैसिव क्या होगा? एक्टिव से पैसिव फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना पड़ेगा कि ये कौन टेंस में है, कौन सा टेंस है इसका। द कैट किल्ड द माउस, ये होगा पास्ट टेंस, पास्ट इंडिफिनिट। तो ये देखिए कौन सा सेंटेंस में है, असर्टिव सेंटेंस में है, तो इसको असर्टिव सेंटेंस अगर पास्ट इंडिफिनिट टेंस में हम वॉइस चेंज करेंगे तो इसका फॉर्म हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस आपका नेक्स्ट V3 हो जाएगा, नेक्स्ट बाय प्रीपोजिशन आ जाएगा, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो इसका आंसर होगा। ये देखिए द कैट ये है सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में, किल्ड ये है V2 बाहर, द माउस ये है ऑब्जेक्ट, तो इसका पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट एक्टिव में ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, तो ये होगा आपका द माउस। उसके बाद एक पास्ट इंडिफिनिट का जो है आपका टू भी बार बार जाएगा, द माउस वॉज किल्ड, किल्ड ही होगा, किल्ड किल्ड किल्ड, ये थर्ड फॉर्म में किल्ड ही है, तो द कैट द माउस वॉज किल्ड, अब प्रीपोजिशन आ जाएगा बाय, द माउस वॉज किल्ड बाय द कैट, द माउस वॉज किल्ड बाय द कैट। ये देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है ये मिलता है, तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 7 आंसर बी, द कैट किल्ड द माउस, इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा द माउस वॉज किल्ड बाय द कैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम वॉज मेकिंग ए काइट। राम एक काइट या फिर एक चिल्ला बना रहे थे,
पतंग बना रहे थे राम। ये देखिए, राम पतंग बना रहे थे मतलब वो पतंग जो बन रहा था वो राम के हाथों बन रहा था। तो इसका आप देखिए, राम वॉज मेकिंग ए काइट, इसका टेंस देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ये है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और आपका ये होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस प्लस ये है असर्टिव सेंटेंस का। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अगर असर्टिव सेंटेंस हम करेंगे तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का आपका फॉर्म हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस बीइंग प्लस बी थ्री प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखिए आप, सब्जेक्ट क्या होगा, ए काइट ये ऑब्जेक्ट है, यह सब्जेक्ट हो जाएगा ए काइट। नेक्स्ट वॉस ये बीइंग, मेड 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 मेक मेड मेड होगा बी थ्री, ए काइट वॉज बींग मेड बाय राम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए काइट वॉज बींग मेड बाय राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 to 11 दिया हुआ है, फाइंड आउट द पार्ट विच हैज एन एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ इफ देयर इज नो एरर योर आंसर इज डी। ये आपको जो क्वेश्चंस दिया हुआ है 9 to 11, तीन क्वेश्चंस 9, 10, 11, इनमें से आपको एरर चूज करना है कौन सा सेंटेंस गलत है, सेंटेंस का कौन सा पार्ट गलत है, वो गलत पार्ट आपको चूज करना है। अगर कोई भी पार्ट आपका गलत नहीं हुआ तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नो एरर। तो देखिए फर्स्ट, scarcely had he left out them a policeman knocked at the door. क्वेश्चन नंबर 9 पे आप देखिए, scarcely had he left out them a policeman knocked at the door. scarcely had he, ये भी ठीक है, left out them को भी नहीं होगा इसका, left out them क्यों नहीं होगा, ये देखिए left out them क्यों होगा, scarcely had he left out them a policeman knocked at the door, इसका आंसर होगा नंबर बी, left out them a, ये होगा आपका ए नहीं होगा इसमें, left out them ए नहीं होगा, ये the policeman होगा, left out them the policeman knocked, ये है ए। तो नंबर बी जो है पार्ट बी में गलत है, तो इसका आंसर होगा नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, the कंचनजंगा इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल पीक ऑफ हिमालयन रेंज। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है, कंचनजंगा इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल पीक ऑफ द हिमालयन रेंज। हिमालय का जो रेंज है, पर्वत है, उनमें जो भी ब्यूटीफुल आपका पीक्स है उनमें से कंचनजंगा भी एक है। मतलब ये आपका बहुत सारा चीज जो है पॉइंट आउट किया है उनमें से ये एक है। फॉर एग्जाम्पल, राम इस क्लास का सभी अच्छा इंटेलिजेंट लड़कों में से एक है, मतलब बहुत से लड़के और है उनमें से राम भी एक है। तो ये देखिए, हिमालयन रेंज में बहुत ही ब्यूटीफुल पीक्स है उनमें से कंचनजंगा भी एक है। तो ये देखिए, द कंचनजंगा इज वन ऑफ द, ये ठीक ठाक है। नेक्स्ट देखिए, ब्यूटीफुल पीक इसमें गलत हो गया, क्यों, ये है आपका प्लूरल होगा ब्यूटीफुल पीक, वन ऑफ द है, ये वन ऑफ द दिया हुआ है तो ये होगा प्लूरल, लेकिन ये लिखा हुआ है कि ब्यूटीफुल पीक, तो इसका होगा प्लूरल होगा पिक्स, तो हमें यहाँ पर गलत मिल रहा है। तो इसका नंबर 10 आंसर होगा नंबर बी, ब्यूटीफुल पिक्स होगा, ये है ब्यूटीफुल पिक, तो इसका एरर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, हिज ब्रदर विल रिटर्न बैक फ्रॉम दिल्ली टुमारो इवनिंग। हिज ब्रदर विल रिटर्न बैक फ्रॉम दिल्ली टुमारो इवनिंग, ये देखिए आपका, उसका जो भाई है उसका भाई दिल्ली से कल शाम को लौट आएगा। ये देखिए रिटर्न जो है, रिटर्न का मतलब है लौट आना, इसमें बैक क्यों है, ये देखिए हिज ब्रदर ये ठीक ठाक है, विल रिटर्न बैक ये कुछ समझ में नहीं आ रहा आपका, ये है एरर, ऐसे आपको देखता है, क्योंकि रिटर्न का मतलब है लौट आना, बैक क्यों होगा इसमें, रिटर्न बैक ये तो कभी नहीं होगा, कतई नहीं होगा। तो फ्रॉम दिल्ली टुमारो इवनिंग, दिल्ली से कल शाम को, ये ठीक ठाक है, तो इसका आंसर होगा नंबर बी, बी में एरर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का डिडक्शन है, चूज द करेक्ट वन वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट का क्वेश्चन नंबर 12 में, ये देखिए, टू ब्रिंग और सेंड गुड्स सेक्रेटली एंड इलीगली इनटू और आउट ऑफ द कंट्री विदाउट पेइंग कस्टम ड्यूटी इज कॉल्ड। ये देखिए आप क्या दिया है, अगर आप किसी भी देश में
या फिर किसी भी देश से कोई भी चीज आप सीक्रेटली लेके जा रहे हो, जो कस्टम फीस है, कस्टम ड्यूटी का जो फीस है वो आप नहीं दिया, आप चेक बिना चेक किए एयरपोर्ट से, यानी एयरपोर्ट से या फिर कोई भी रास्ते से आप कोई भी कंट्री से या फिर किसी भी कंट्री में आप ले जा रहे हो कोई भी कस्टम ड्यूटी दिए बिना, तो इसको क्या बोलते हैं? अब देखिए, एक्सपोर्ट मतलब एक देश से दूसरे देश में एक्सपोर्ट करना, मतलब बेच देना। नेक्स्ट इंपोर्ट मतलब एक देश से दूसरे देशों का जो आपका सामान है वो अपना देश में ले आना। नेक्स्ट है ट्रेडिंग, ट्रेडिंग मतलब आपका वाणिज्य बिजनेस है, तो इसके अंदर हो जाएगा स्मगलिंग। स्मगलिंग का मतलब है आपका कोई भी देश से या फिर कोई भी देशों में आप एक चीज ले जा रहे हो कस्टम ड्यूटी के बिना, इसको बोलते हैं स्मगलिंग। आंसर हो जाएगा नंबर सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13 to 15। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव इन ऑर्डर टू मेक ग्रामेटिकली करेक्ट। ग्रामेटिकली ये एरर है, तो इसमें आप ग्रामेटिकली करेक्ट करने के लिए जो ऑल्टरनेटिव दिया हुआ है उनमें से आपको यह खाली जगह जो है वो भरना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आप देखिए, स्मोकिंग इज इंजूरियस डैश हेल्थ। धूम्रपान अपने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह सिगरेट का पैकेट में मिलता है, कोई भी सिनेमा में आप देख लीजिए ये इसका कंटेंट आता है, तो इसका आंसर सिंपल सा हो जाएगा, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। आंसर हो जाएगा नंबर सी, इंजूरियस टू। इंजूरियस कोई भी हो, इंजूरियस के सामने इंजूरियस के साथ टू यूज होता है। नेक्स्ट, प्लीज सी मी डैश माई ऑफिस बाय 3 o'clock। प्लीज आप मेरे ऑफिस में 3 o'clock 3 बजे मुझे देख के जाना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑफिस में 3 बजे 3 o'clock एट माई ऑफिस हो जाएगा। क्यों? अब अगर कोई भी प्लेस को पॉइंट आउट सीधा टारगेट करते हो तो कोई भी प्लेस के लिए आप जो है वो एट यूज करते हैं, हम एट प्रीपोजिशन यूज करते हैं कोई भी प्लेस को समझाने के लिए। कोई भी प्लेस को आप अगर पॉइंट आउट कर रहे हो तो उसको समझाने के लिए हम क्या करते हैं? एट प्रीपोजिशन। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 15, ही इज नॉट अशेम्ड डैश हिज नेबर्स। वो जो है अपने पड़ोसी के साथ वो शर्मिंदा नहीं है, वो अपने पड़ोसी के साथ शर्मिंदा नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? अशेम्ड ऑफ, कोई भी चीज है आपका अशेम्ड, अशेम्ड के साथ ऑफ यूज होता है। सिंपल ट्रिक है ये, आप समझ लो इसका रूल है। कोई भी आपका क्वेश्चन है अशेम्ड का, अशेम्ड के साथ ऑफ यूज होता है। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16 to 20 का डायरेक्शन। रीड द फॉलोइंग पेजेस एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। नीचे एक पेजेस दिया हुआ है, इसका आंसर आप कोई भी आपका ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से आपको आंसर चूज करना पड़ेगा। पेसेज देखिए आप, इंडियन एयरफोर्स का जो पेसेज है इट काम्स फॉर 4 मार्क्स और 3 मार्क्स। तो इनमें आपको पेसेज में से 3 या 4 मार्क्स का मिलेगा। यह है आपका एक सिर्फ मॉक टेस्ट, एक मॉडल क्वेश्चन पेपर, तो इसमें 5 क्वेश्चंस दिया हुआ है पेसेज से। तो देखिए आपका पेसेज जो है, देयर आर मेनी वेज ऑफ सेंडिंग सीक्रेट मैसेजेस, एन इंटरेस्टिंग मेथड वॉज यूज बाय अ चाइनीज जनरल कॉल्ड पिंगियो 2000 years ago। पिंगियोस आर्मी वॉज फार फ्रॉम देयर होमलैंड, बिटवीन द सोल्जर्स एंड होम देयर वर मेनी इनिमीज, बट पिंगियो सेंड लेटर्स टू हिज किंग एंड द एनिमी कुड नॉट रीड देम। ही सेंड देम लाइक दिस, ए स्ट्रॉन्ग मैसेंजर वॉज चोजन फ्रॉम एमंग द सोल्जर्स, हिज हेयर वॉज कट ऑफ एंड ए लेटर वॉज रिटन ऑन हिज बेल्ट हेड, देन ही वॉज ड्रेस्ड एज ए पुअर फार्मर एंड सेंट होम। हिज जर्नी लास्टेड मेनी वीक्स, ड्यूरिंग दिस टाइम हिज हेयर ग्रीव एंड कवर्ड द मैसेज, द एनिमी स्टॉप हिम मेनी टाइम्स, ही वॉज सर्च बट द लेटर वॉज नॉट फाउंड, व्हेन ही रीच्ड द किंग्स पैलेस हिज हेयर वॉज कट ऑफ अगेन एंड द लेटर वॉज रीड टू द किंग। आपको कोई भी मैसेज पैसेज दिया हुआ है जिसमें से आपको आंसर चूज करना हो, तो ये पैसेज जो है आप थोड़ा सा इसे पढ़ के इसका मतलब आप समझने की कोशिश करो। ये जो पैसेज है ये दिया हुआ है आपका एक कम्युनिकेशन जो है मैसेज का, तो मैसेज के
बेसिस में आपको ये क्वेश्चन मैसेज के ऊपर दिया हुआ है कि पुरानी जो ज़माना था उनमें से आप हम कम्युनिकेशन के लिए एक मैसेज यूज़ करते थे, चिट्ठी। ये देखिए मैसेज जो है, अब बहुत सी टाइप के मैसेजेस है। इंटरेस्टिंग मेथड ये है, चाइनीज जनरल पिंगियो वो जो है 2000 साल पहले एक मेथड यूज़ किया था। वो क्या हुआ था, अपने फार्म से और होमलैंड से बहुत ही दूर था, लेकिन फार्म और होमलैंड के बीच में बहुत एनिमीज था। तो वो एक आदमी को मैसेज दे दिया, पिंगो जो है लेटर्स, उस पिंगो अपने राजा के पास, किंग के पास लेटर्स दिया था, जो कि एनिमी ने नहीं पढ़ पाया। कैसे दे दिया था, ए स्ट्रॉन्ग मैसेंजर, वो एक स्ट्रॉन्ग मैसेंजर्स एक सोल्जर के बीच में दे दिया। वो क्या हुआ, सोल्जर्स में से एक को चूज किया और उसके बाल बहुत ही भरा हो गया था, तो उसके बाल में छुपा के वो मैसेज दे दे। तो जो कोई भी हो इसका आपका मतलब, तो आप इसे समझने की कोशिश करो और नेक्स्ट जो है इसके आंसर देने की कोशिश करो। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16, व्हाई डिड पिंग्यो वांट टू सेंड सीक्रेट मैसेज टू द किंग। पिंग्यो जो है वह अपने राजा के पास सीक्रेट मैसेज, आपका गोपन मैसेज क्यों देना चाहते थे, गोपन बढ़ता क्यों। हिज आर्मी कॉट बाई एनिमी, हिज आर्मी वॉज फार फ्रॉम देयर मदरलैंड, हिज आर्मी वॉन एन इम्पोर्टेंट किंगडम, हिज आर्मी वॉज इन फ्लड। ये देखिए, हिज आर्मी कॉट बाई एनिमी ये नहीं होगा, हिज आर्मी वॉज फार फ्रॉम देयर मदरलैंड। ये देखिए पैसेज में आपको दिया हुआ है, ये पिंगोस आर्मी वॉज फार फ्रॉम देयर होमलैंड, होमलैंड यानी मदरलैंड। इसका आंसर हो जाएगा नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 16 आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में, व्हिच टाइप ऑफ पर्सन वॉज चोजन फॉर मैसेंजर। आपको मैसेज देने के लिए किस टाइप का पर्सन, किस टाइप का आदमी चूज किया गया था, सेलेक्ट पसंद किया गया था, ए पुअर फार्मर, ए स्ट्रॉन्ग सोल्जर, एन ओल्ड सोल्जर, एन इनोसेंट सोल्जर। ये देखिए इसके आंसर भी आपका जो है ये क्वेश्चन में ही है, ही सेंड देम लाइक दिस, ए स्ट्रॉन्ग मैसेंजर वॉज चोजन फ्रॉम अमंग द सोल्जर्स। ये देखिए व्हिच टाइप ऑफ पर्सन वॉज चोजन फॉर मैसेंजर, ये है ए स्ट्रॉन्ग मैसेंजर वॉज चोजन फ्रॉम द सोल्जर। तो इसका ये देखिए, ए पुअर फार्मर, ए स्ट्रॉन्ग सोल्जर, ये आंसर हो जाएगा नंबर बी, ए स्ट्रॉन्ग सोल्जर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द मैसेंजर वॉज ड्रेस्ड एज ए पुअर फार्मर एज ही कुड वर्क फास्ट, फार्मर्स आर लेस टॉकेटिव, द जनरल फेवर्ड फार्मर्स, ए फार्मर वुड अरोज लेस सस्पिशन। क्वेश्चन नंबर 18 का देखिए, ए फार्मर को ही क्यों चूज किया गया था, एक फार्मर, एक मैसेंजर वो मैसेज देने के लिए एक फार्मर को क्यों चूज किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा क्या होगा, नंबर डी, ए फार्मर वुड अरोज लेस सस्पिशन, एक किसान के ऊपर कोई भी इतना शक नहीं करेगा। द मैसेंजर, क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, द मैसेंजर्स हेयर वॉज कट ऑफ बिकॉज, उसका बाल, मैसेंजर का जो बाल था वो क्यों काट दिया था, ए मैसेज कुड बी रिटेन ओनली वन ए बाल्ड हेड, इट वुड मेक द लॉन्ग जर्नी कम्फर्टेबल, द न्यू हेयर वुड कवर द मैसेज, द बाल्ड हेड वुड मेक हिम लुक लाइक ए मॉन्क। इसके आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ए, मैसेज कुड बी रिटेन ओनली ऑन ए बाल्ड हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, दिस मेथड ऑफ सेंडिंग द मैसेज वॉज कन्वीनियंट एज द एनिमी कुड बी चीटेड इजिली, इट वॉज मोर इकोनॉमिकल, द मैसेज वॉज सेंड इन पर्सन, द मैसेज वॉज नॉट नोन टू द मैसेंजर। ये देखिए, ये जो मैसेज दिया था वो मेजर जनरल पिंगियो ने, ये मैसेज क्यों दिया गया था, मेथड जो है क्यों, ये सीक्रेट मैसेज अपने बालों में छुपा के मैसेज दिया था क्यों, ये मेथड जो है क्यों सोच किया था। इसका आंसर क्या होगा, द एनिमी कुड बी चीटेड इजिली, बालों में छुपा के एक फार्मर से, एक किसान से ये मैसेज दे दिया ताकि जो है अपना शत्रु एनिमीज उनको सबसे पहले इजीली आसानी से उनको चीट किया जा सके, उनको धोखा दिया जा सके इसलिए। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको ये इंडियन एयरफोर्स ग्रुप वाई के इंग्लिश का 20 मार्क्स फुल एक मॉक टेस्ट ले लिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, और इसमें कोई भी आपको कोई भी दिक्कत हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए।
मैं इसके बाद और भी वीडियोस डालूंगा, इंडियन एयरफोर्स ग्रुप वही की इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट 4 और 5 दूंगा, और उसके बाद पूरा 150 मार्क्स का मैं एक प्रैक्टिस सेट बनाऊंगा आप लोगों के लिए, और इंडियन एयरफोर्स रागा का भी मैं मॉक टेस्ट बनाते रहूंगा। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक द वीडियो, और मुझे फेसबुक में भी आप फॉलो कर सकते हैं। मेरे पोस्ट है मुजीबुर रहमान नाम का, मैं इसका लिंक जो है मैं अपने यूट्यूब चैनल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप वाई के सभी एस्पिरेंट्स के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू, कीप वॉचिंग।